हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये टाइप डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो दो टाइप है, एक GI दैट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा OI दैट मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो GI और OI, उसमें से हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट मींस GI। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में GI अगर हमें डिस्कस करना है तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद लिगैंड्स। लिगैंड्स के बहुत सारे टाइप मैंने डिस्कस किए हैं। अब हमें यह देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर में ये फेनोमेना एग्जिबिट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और दूसरा टाइप जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो दो टाइप की ज्योमेट्री एग्जिबिट करेगा, पहला टाइप होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरा टाइप इसी में ये होगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं 4 रेफर करता हूं तो यहां दो टाइप की ज्योमेट्री वो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड शो करेगा एज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अगर बात है तो यहां पर ये ज्योमेट्री फॉर्म करेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो GI में हम पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं बात करता हूं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज यह है सेंट्रल मेटल एटम, यहां लेता हूं लिगैंड, यह भी एक लिगैंड होगा, यहां पर एक लिगैंड और यह एक लिगैंड। आप देख सकते हो कि सामने जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो यहां पर हर एक लिगैंड दैट मींस एवरी लिगैंड हैविंग सेम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर 3 लिगैंड्स, एवरी लिगैंड हैविंग सेम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर 3 लिगैंड। इसका मतलब यहां पर सारे लिगैंड की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम है, इसीलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करने वाले मॉलिक्यूल, मतलब ये ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये GI शो नहीं करती है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको क्या बोला है मैंने, कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हर एक लिगैंड की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लिगैंड सेम होने के रीजन से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ओनली हमें डिस्कस करना है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ये किस तरह से GI एग्जिबिट करेगा, तो आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये जो ट्री डायग्राम दिया हुआ है ये क्लियर कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टा, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल ये डू नॉट शो, ये दोनों शो करेंगे। तो अब हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर में इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन स्क्वायर प्लेनर हाउ टू एग्जिबिट दैट कंपाउंड GI, देयरफॉर GI इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, GI in square planar geometry. अब अगर बात square planar की हो रही हो तो यहां पर हम देखेंगे square planar कितने टाइप में classify होता है, geometrical isomerism कितने टाइप में classify होता है in case of square planar geometry in coordination number 4 में। But before that you should know one thing, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि square planar में हम जो भी लेते हैं geometry वो कुछ इस तरह से लेते हैं, जैसे कि central metal atom,
और इसे अटैच होंगे चार लिगेंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये होगा फोर्थ। चार लिगेंड अटैच होने के बाद यहां पर मैं डॉटेड लाइन से इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लेता हूं, स्क्वायर को कंप्लीट कर लेता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये चार लिगेंड्स इन्होंने सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं और यहां पर कंप्लीट एक कंपाउंड बन चुका है एज एम एल फोर। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जीआई के अंदर स्क्वायर प्लेनर में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा होगा। वैसे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो सीस एंड ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा एक तो सीस, अदरवाइज ट्रांस आइसोमेरिज्म। सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सीस ट्रांस के लिए पहले आपको ये मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। तो इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हो सेंट्रल मेटल आइटम अटैच टू फोर लिगेंड्स। तो यहां पर चार लिगेंड अगर मैं लेता हूं तो इसे देता हूं पोजीशन 1 2, ये 3 और ये 4, 1 ये 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं और ये 4। अगर यहां पर 1 2, दैट मींस सिमेट्रिकल लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जो मैंने चार लिगेंड लिए हैं वो एक तो दो टाइप्स के लिगेंड हो गए, तो उसमें अगर सेम लिगेंड ये 1 2 पोजीशन पर है या तो 2 3 पोजीशन पर है, अदरवाइज 3 4 पोजीशन पर है या 4 1 पोजीशन पर है। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, तो ये होगा सीज आइसोमर। ये कौन सा होना चाहिए? सीज आइसोमर। और अगर वो सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे 1 3, अदरवाइज 2 4, 1 3 और 2 4, तो यहां पर थीटा होगा 180 डिग्री, तो ये होगा यहां पर ट्रांस आइसोमर। ये होगा ट्रांस आइसोमर। तो आप यहां पर देख सकते हो ये मैकेनिज्म अगर आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो बाकी के सारे टाइप्स आपके दिमाग में इजीली चले जाएंगे। इसका मतलब यहां पर आपको बस ये देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते समय यहां पर लिगेंड्स 2 3 टाइप के हो सकते हैं, वो मैं टाइप वाइज क्लासिफाई करके बताऊंगा कि किस तरह से वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इन जनरल आप समझ लो, अगर सेम लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में है, अगर सेम लिगेंड एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन में है, तो वो दिखाएगा सीज। और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में है तो वो दिखाएंगे ट्रांस, वो दिखाएगा ट्रांस आइसोमर। तो ये मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम एग्जांपल और क्लासिफिकेशन से इसे पूरी तरह से क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप में क्लासिफाई होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट मींस जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। तो यहां पर पहला टाइप मैं ले रहा हूं सेंट्रल मेटल आइटम ले रहा हूं एम, आई कैन राइट A2B2। पहला टाइप कौन सा लिया है? A2B2। सेकंड टाइप मैं ले रहा हूं यहां पर A2BC। थर्ड टाइप आई कैन राइट A B C and D। फोर्थ टाइप यू कैन राइट, आप यहां पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हो MA2B2, MA2BC, MABCD, MAA2। आई कैन राइट नेक्स्ट वन इज MAA2। यहां मैंने कैपिटल में लिया है, यहां मैंने कैपिटल में लिया है MAA2। और जो फिफ्थ वाला टाइप है यहां पर ले रहा हूं मैं MA2B4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 5 टाइप में क्लासिफाई होते हैं MA2B2, MA2BC, MABCD, MAA2 और यहां पर MA2B4। यहां पर आप एक पॉइंट जो फिफ्थ नंबर का टाइप है वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है लेकिन यहां पर लिगैंड 6 कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर लिगैंड 6 कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम एक स्टेप बाय स्टेप उसे क्लैरिफाई करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हो A2B2, तो आपने यहां पर देखा होगा टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स आर A B C एंड D,
एंड कैपिटल ए। तो यहां पर आप एक चीज प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखें, वेयर ए बी दीज आर मोनोडेंटेट लिगैंड, ये कैसे होने चाहिए, मोनोडेंटेट लिगैंड, ये मोनोडेंटेट लिगैंड है और बचा कैपिटल ए, कैपिटल ए इज नथिंग बट बाय डेंटेट लिगैंड, ये बाय डेंटेट लिगैंड होगा। और जो फिफ्थ नंबर का टाइप जो लिया है मैंने, ये स्पेशल केस है, किसके लिए, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ये स्पेशल केस है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये तीन चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि स्मॉल ए बी सी डी, यहां पर ए बी आई कैन राइट सी एंड डी, सी एंड डी ऑल फोर लिगैंड्स, ऑल फोर लिगैंड्स आर व्हाट, मोनोडेंटेट, कैपिटल ए इज बाइडेंटेट लिगैंड और ए टू बी फोर, यहां पर जो छह लिगैंड आपको दिखाई दे रहे हैं वो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस में जनरली यूज किए जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल किस तरह से होंगे ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, एग्जांपल नंबर टाइप नंबर फर्स्ट में मैं ले रहा हूं यहां पर एग्जांपल फर्स्ट। पहले आप इसकी तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर टाइप नंबर फर्स्ट अगर मैं ले रहा हूं तो टाइप नंबर फर्स्ट में A2 B2, टाइप नंबर फर्स्ट में आ रहा है A2 B2, तो यहां पर आप देख सकते हो मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, सेंट्रल आइटम M 1 2 3 एंड 4, ये ले रहा हूं यहां पर A, वंस अगेन A, यहां पर B और ये B, देख सकते हो यहां पर M A A B B, यहां पर ले रहा हूं वंस अगेन M 1 2 3 एंड 4, पॉइंट टू थ्री एंड फोर। अगर मैं यहां पर ए, यहां ए ले रहा हूं और यहां बी और बी, आपको क्या समझ में आया, आप यहां पर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ये एक कॉम्प्लेक्स मिला स्क्वायर प्लेनर और ये भी एक कॉम्प्लेक्स मिला स्क्वायर प्लेनर। अब यहां पर आप देख सकते हो कि पहले कॉम्प्लेक्स में, पहले कॉम्प्लेक्स में ए और ए एक दूसरे के एडजेसेंट पोजिशन में है, मैंने जैसे यहां पर बताया 1 2 2 3 3 4 4 1, अगर वो एडजेसेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वो सीज होता है, और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट 1 3 2 4 में होगा तो वो होगा हॉट ट्रांस, तो यहां पर ये होगा सीज आइसोमर। और यहां पर ए और ए बी बी आर अपोजिट टू ईच अदर तो ये होना चाहिए ट्रांस आइसोमर, ये क्या होना चाहिए ट्रांस आइसोमर। इस तरह से आप यहां पर सीस ट्रांस आइडेंटिफाई कर सकते हो, सीस और ट्रांस आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं यहां पर इसका एक बेस्ट एग्जांपल रेफर करता हूं जिससे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो एग्जांपल लेता हूं यहां पर पीटीफ एनएच थ्री टू सीएल, पीटीफ एनएच थ्री टू सीएल, तो यहां पर आई कैन ड्रॉ दिस व्हाट सेंट्रल एटम प्लैटिनम 1, 2, 3 and 4, यहां लेता हूं दूसरा आइसोमर 1, 2, 3 and 4, ओके? अब यहां पर वंस अगेन अमोनिया, दैट मींस अमाइन NH3, Cl and Cl, यहां ले रहा हूं NH3, Cl and Cl, आप यहां पर देख सकते हो किस तरह से मैंने यहां पर अमाइन और क्लोरिडो, अमाइन और क्लोरिडो, यहां पर आपने अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा ये अमाइन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये अमाइन एक दूसरे के अपोजिट, तो ये होगा आपका सीस आइसोमर, तो ये होना चाहिए ट्रांस आइसोमर, ये क्या होना चाहिए ट्रांस आइसोमर। इस तरह से टाइप नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हो ए टू बी टू देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, अगर लिगैंड दो टाइप के है तो आप किसी भी दो को ले सकते हो और उन पे डिपेंड करेगा कि ये सीस होगा या ट्रांस होगा, अगर वो एडजेसेंट में है तो सीस है, अगर वो एडजेसेंट में नहीं है एक दूसरे के अपोजिट तो वो होगा ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो क्योंकि मैं इरेज करने के बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव हो रहा हूं। Now,
move to the next type. Now move to the next type. अब हम discuss करेंगे दूसरा type. ये था M A to B to. Now second one is M A to B C. M A to B C. जैसे यहां पर बताया मैंने कि ये दो टाइप के लिगैंड थे, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. लिगैंड कितने टाइप के? यहां पर तीन टाइप. और मैं पहले बता चुका हूं कि वहां पर दो टाइप के लिगैंड थे, यहां पर तीन टाइप के लिगैंड है. तो इसका मतलब यहां पर ऑफ सिस ट्रांस ये डिपेंड करेगा लिगैंड ए पर. ये डिपेंड करेगा लिगैंड ए पर. यहां भी सेम कंडीशन. मैं यहां पहले से क्लैरिफाई कर देता हूं एक जनरल फॉर्मुलेशन. जैसे कि M इस तरह से आप देख सकते हो, सेकंड वन इज इस तरह से. A2 दिया हुआ है, A A B एंड C. यहां ले रहा हूं A A B एंड C. क्या समझे आप यहां पर? C प्रॉपरली आप यहां पर देख सकते हो ए ए एक दूसरे के एडजेसेंट, ए ए एक दूसरे के अपोजिट. तो ऑब्वियसली ये होगा सिस आइसोमर. तो ये होना चाहिए ट्रांस आइसोमर. ये क्या होना चाहिए? ट्रांस आइसोमर. एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा. एग्जांपल लेना चाहूंगा ना सी फॉर एग्जांपल. I can write platinum NH3 Cl NO2. Platinum NH3 2 Cl NO2. अब यहां पर आप देख सकते हो कि NH3 2 है और Cl NO2 है. तो इसका मतलब यहां पर लिगैंड तीन टाइप के हैं. तो ऑब्वियसली यहां पर जो आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस ये डिपेंड करेगा अमाइन पर. डिपेंड करेगा अमाइन पर. देयरफॉर सेंट्रल एटम ले रहा हूं मैं M 1 2 3 एंड 4. तो यहां पर M के जगह पर आई कैन राइट प्लैटिनम. यहां भी ले रहा हूं प्लैटिनम 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 अमाइन. तो मैं यहां लिख सकता हूं NH3 NH3 Cl NO2. आई कैन राइट NH3 NH3 Cl और NO2. अब यहां पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये चार बॉन्ड बना चुका है एक दूसरे के साथ. चार बॉन्ड बनाने के बाद यहां पर अमाइन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में है और यहां पर अमाइन एक दूसरे के अपोजिट. तो ये होना चाहिए सेस. तो ये होना चाहिए ट्रांस आइसोमर. ये होना चाहिए सिस, तो दूसरा होना चाहिए आपका ट्रांस आइसोमर. इस तरह से ये था आपका सेकंड टाइप M A to B C. सेकंड टाइप में M A to B C. ओके, इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ये था फर्स्ट टाइप और ये था सेकंड टाइप. नाउ मूव टू द टाइप नंबर 3. टाइप नंबर 3. टाइप नंबर थर्ड में जैसे कि मैंने यहां पर बताया M A to B to A to B C. टाइप नंबर थर्ड में आई कैन डिस्कस M A B C एंड D. यहां ले रहा हूं मैं M A B C D. अब A B C D मतलब चारों के चारों लिगैंड्स ये पूरी तरह से क्या है? डिफरेंट लिगैंड. अगर ये चारों के चारों डिफरेंट है तो यहां पर आपको एक बात कंफर्म पता होनी चाहिए. ये देखा ओनली व्हाट थ्री आइसोमर्स. ये कितना आइसोमर देगा? थ्री आइसोमर. अब ये थ्री आइसोमर कैसे देगा? तो आप यहां पर देख सकते हो थ्री आइसोमर किस तरह से ये दे सकता है. वन टू थ्री एंड फोर. ये ले रहा हूं मैं सेम मेटल में और ये ले रहा हूं तीसरी केस सेम मेटल. यहां ले रहा हूं ए बी सी और डी. ए बी सी डी. अब एबीसीडी लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हो आपको एक आइसोमर मिल चुका है. एक आइसोमर मिल चुका है. अब ये एक आइसोमर मिलने के बाद
इसमें से इन चारों में से कोई भी एक लिगैंड आप उस पोजीशन पर फिक्स कर दो। क्या कहा मैंने, आउट ऑफ द टोटल फोर लिगैंड एनी वन ऑफ द लिगैंड फिक्स एट देयर पोजीशन। उसे फिक्स करने के बाद जैसे मैं इस ए को फिक्स कर देता, ए को फिक्स कर देता, ए को फिक्स करने के बाद नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट एग्जांपल में उसे फिक्स कर दो और बाकी के तीन लिगैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो। अगर मैं उसे क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता हूं तो ये डी बी की जगह पे शिफ्ट होगा, ये बी सी की तरफ शिफ्ट होगा और ये सी डी की जगह पे शिफ्ट होगा और योर ए रिमेंस एज इट इज, ए रिमेंस एज इट इज। आप यहां पर देख सकते हो ये मिला आपको दूसरा आइसोमर, ये मिला दूसरा। थर्ड केस में आपको वैसे ही करना है, ए एज इट इज फिक्स, उसके बाद फिर से एक बार रोटेशन कर दो, सी यहां था उसे यहां शिफ्ट कर दो, डी यहां शिफ्ट होगा और बी यहां शिफ्ट होगा। अब आप यहां पर देख सकते हो शिफ्टिंग करने के बाद, शिफ्टिंग करने के बाद आपने ऑब्जर्वेशन किया कि ए के सराउंडिंग में बी और डी था, सेकंड केस के ए के सराउंडिंग में सी भी आ गया, सी और डी, थर्ड केस में ए के सराउंडिंग में बी और सी आ गया। इस तरह से ये एम एबीसीडी टाइप ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट ओनली थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमर, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ओनली तीन आइसोमर दिखाता है। मतलब सीधी सी बात, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में किसी सेंट्रल मेटल एटम को चार डिफरेंट डिफरेंट लिगैंड अटैच है, इफ इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर फोर सेंट्रल मेटल एटम अटैच बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर लिगैंड्स एट दैट टाइम द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर शुड बी थ्री, शुड बी थ्री। ओके, ये था तीसरा टाइप। तो यहां पर हम एग्जांपल के तौर पर बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आई कैन राइट प्लैटिनम NH3 Cl Br H2O, इस तरह से हम ले सकते हैं और तीन आइसोमर किसी एक को फिक्स करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये था तीसरा टाइप इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, ये था टाइप नंबर थ्री। नाउ टाइप नंबर थ्री के बाद टाइप नंबर फोर इज वेरी इंटरेस्टिंग, टाइप नंबर फोर इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने बताया टाइप नंबर फोर ये है एम ए ए टू, एम ए टू, और यहां पर जो ए होगा कैपिटल ए इज प्योरली बाय डेंटेट। ये क्या होगा, प्योरली बाय डेंटेट लिगैंड। अब अगर ये बाइडेंटेट लिगैंड है तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए बाइडेंटेट लिगैंड अटैच करने के बाद वहां पर किस तरह से सिस और ट्रांस ये स्ट्रक्चर शो करेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो MAA2 में मैं एग्जांपल से इसे क्लियर करके देता हूं, आई कैन राइट एग्जांपल PT। ओके, आई कैन राइट एग्जांपल PT मींस प्लैटिनम ग्लाइसिनाइटो, प्लैटिनम ग्लाइसिनाइटो 2। अगर मैं यहां पर प्लैटिनम ग्लाइसिनाइटो 2 ले रहा हूं तो ग्लाइसिनाइटो ये बाइडेंटेट लिगैंड है और ये दो है, तो अभी सीस और ट्रांस किस तरह से एग्जिबिट करेगा उसे हम एक बार एग्जांपल पूरी तरह से ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं सेंट्रल एटम प्लैटिनम, सेंट्रल एटम प्लैटिनम, पहले आपको तो ग्लाइसिनाइटो का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ग्लाइसिनाइटो का स्ट्रक्चर है NH2 CH2 COO, यहां पर डोनर एटम ये होगा तो यहां पर डोनर एटम ये होना चाहिए। इस तरह से ये बाइडेंटेट लिगैंड, ये दो डोनर एटम और दोनों के दोनों डोनर एटम डिफरेंट डिफरेंट है, इस तरह से एक्ट होता है। तो अगर मैं यहां पर ले रहा हूं सपोज NH2 CH2 COO, तो आप यहां पर देख सकते हो ये हुआ एक डोनर और ये डोनर होना चाहिए। ओके, उसी प्लैटिनम को और एक अटैच होगा NH2 CH2 COO, ये डोनर एक होगा, ये डोनर। एग्जांपल को देख के तो लग रहा है कि ये चिलेट रिंग फॉर्म कर रहा है, और ने देखा है कि चिलेटिंग लिगैंड किस तरह से होता है, बाइडेंटेट लिगैंड में ये ग्लाइसिनेटो चिलेटिंग लिगैंड एक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर हमारा कांसेप्ट लिगैंड आइडेंटिफिकेशन करना नहीं है, यहां हमें देखना है वो सी से या ट्रांस है। तो आपको यहां पर बस एक चीज ऑब्जर्वेशन करनी है,
NH2, यहां पर NH2 एट अ सेम साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एट अ सेम साइड, तो ये होगा सीस। ये क्या होना चाहिए? सीस। और दूसरा एग्जांपल, मतलब इसी को मैं लिखता हूं ट्रांस के फॉर्म में, प्लैटिनम। यहां ले रहा हूं मैं NH2, CH2, CuO, NH2, CuO। वंस अगेन अब यहां पर ले रहा हूं मैं NH2, CH2, CO, और ये ले रहा हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो दूसरे कंपाउंड में क्या किया है मैंने, NH2 और यहां NH2 एक दूसरे के अपोजिट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे के अपोजिट, तो ये होगा ट्रांस आइसोमर। ये क्या होना चाहिए? ट्रांस आइसोमर। दैट मींस अगर किसी सेंट्रल मेटल आइटम को बाइडेंटिक लिगेंड अटैच है तो वहां पर आप सिस ट्रांस आइसोमर इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था फोर्थ नंबर का टाइप MAA2, दैट मींस टाइप ऑफ लिगेंड इज सेम बट दैट लिगेंड इज बाइडेंटेड इन नेचर। तो वहां पर आपको बस ये लिखना है डोनर आइटम, अगर वो लिगेंड सेम है तो डोनर आइटम, अगर दोनों भी सेम डोनर आइटम सेम साइड में है तो ये सीज होगा, और डोनर आइटम अगर एक दूसरे के